Hi, this is Saksham and welcome to another video on Who Asked You to Lock Your Doors. एक बहुत ही common सा सवाल है जिसके basis पे you are doing a lot of things today. For example, you are going into the internet, which is a virtual space. You need to understand that internet is solely a virtual space these days. जहाँ पे आपकी एक personality है, you step in there and then you create some data in there. ये पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है आजकल मार्केट में इंटरनेट के ऊपर जो भी चीजें आप कर रहे हो जो भी एक्शंस आप ले रहे हो एंड देन उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं उस पैराडाइम शिफ्ट के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एंड जस्ट अ क्विक साइड नोट दैट आई एम कमिंग लाइव ऑन दिस संडे ऑन दिस यूट्यूब चैनल सो यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट CSPE कोर्स दैट इज साइबर सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग एक्सपर्ट एक ऐसा कोर्स जो बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है आपकी साइबर सिक्योरिटी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एंड ऑल्सो यू मस्ट बी हियरिंग अबाउट thecybercouncil.com सो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है आई एम गोइंग टू आंसर देम ऑल ऑन दिस संडे लाइव on this YouTube channel. So again, if we talk about who asked you to lock your doors, so definitely, if you will keep your security tight, there will be high chances that the burglars will not enter into your house. And definitely, internet has changed the lives of many people. And also it has given a rise to human society. बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स कम हुए जिसकी वजह से उनका टाइम बचा बहुत सारे लोग इंटरनेट आने के बाद काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए बट जो लोग इंटरनेट से ज्यादा दूर हैं और इंटरनेट पे अभी नए नए आए हैं या सिक्योरिटी का उनको डर रहता है उनके लिए मैं ये वीडियो डेफिनेटली आज मैंने प्लान किया है सो अगर हम बात करें कि आप कैसे ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वर्चुअल स्पेस के अंदर आपका तो अगर आप नए हैं इंटरनेट से लेकर या अगर आपको बहुत सारी जानकारी नहीं है कि इंटरनेट का ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ था कैसे चला आ रहा है डेटा की क्या दौड़ है आज की डेट में बिकॉज हम सबको पता है कि डेटा इज नेक्स्ट गोल्ड आज की दुनिया में सो व्हेन यू गो ऑन इंटरनेट व्हाट हैपेंस यू क्रिएट सम डेटा वो डेटा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों का डेटा सिर्फ पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड है आपको सोशल मीडिया पे ढूंढना आजकल बहुत आसान है बट देन आप कैसे उस लूप होल में ट्रैप के अंदर फंसते हो The main scams that are going on these days is जब आपके पास फोन आता है आप OTP बताते हो अपने ही खुद के मुंह से and then you say कि मेरे साथ स्कैम हो गया so there is no other alternative for human stupidity. Secondly, अगर आप कभी टाइम निकालो किसी वीकेंड या किसी संडे and अगर आप एक्चुअली में अपना गैजेट एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आजकल गूगल पिक्चर्स आपके पासवर्ड्स आपको चेंज करने चाहिए रेगुलरली ये सारी चीज़ों की सिक्योरिटी अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप कभी ना कभी ट्रबल में आओगे आपका फ़ोन हैक होने में सिर्फ 20 सेकंड लगता है बट ये भी बात फैक्ट है कि अगर ह्यूमन स्टुपिडिटी ना हो तो वो 20 सेकंड कोई नहीं लगा सकता अगर आपके हाथ से कोई फ़ोन ले रहा है आपका पासवर्ड आप किसी और को बता रहे हो सोशल मीडिया का पासवर्ड किसी और को बता रहे हो तो डेफिनेटली आप आज नहीं तो कल ट्रबल में जाने ही वाले हो सो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है इंटरनेट का डेटा के पीछे ये दो एस्पेक्ट में आज की डेट में चल रहा है व्हेन यू टॉक अबाउट बिग जायंट्स लाइक फेसबुक एंड गूगल सो ये बात फैक्ट है कि आज की डेट में इंटरनेट का मार्केट इतना रेगुलेटेड नहीं हो रहा है बहुत सारे लोग रिसर्चर्स हैं जिसके लॉज के ऊपर काफ़ी बातें हो रही है आजकल इंटरनेट की जिसके प्रोज भी हैं जिसके कॉन्स भी हैं बट अगर हम बात करें फेसबुक गूगल जैसी बड़ी कंपनीज की माइक्रोसॉफ्ट की जिसको आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करते हैं डेटा के नाम पे कि हमारा डेटा ये लोग यूज़ करते हैं बट आप सोच के देखो एक बात इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये डेटा आपका यूज़ करते हैं तो एड्स वगैरह चलाते हैं बट डेफिनेटली आपकी पर्सनल प्राइवेसी लीक नहीं करते बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेशराइज किया है लोगों को उनका डेटा रिवील करने को पब्लिकली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस बट स्टिल दे फाइट फ्रॉम द लॉ सूट एंड दे मेंटेन योर प्राइवेसी अगर इसके लॉज स्ट्रिक्ट होते तो डेफिनेटली आपका डेटा आज एड्स के लिए भी यूज नहीं हो रहा होता बट अगेन नो बिग हार्म इन दैट बिकॉज फ्लॉ यही है कि इंटरनेट अभी भी ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं हुआ है हर कंट्री में जा जाके अलग लॉज के अकॉर्डिंग पीपल आर स्टिल रिसर्चिंग अबाउट इट इफ यू टॉक अबाउट मोर स्कैम्स देन दे आर ऑल्सो हैपनिंग ऑन टू द डेटिंग वेबसाइट सो मेक श्योर व्हेन यू शेयर एनी ऑफ योर पर्सनल स्टफ make sure you think twice because again you gotta have to move ethically in your life whether it is a world of internet now I'm telling the world of internet because I can clearly sense the paradigm shift that we are facing these days you have two personalities somewhere one is living on earth and second is living on planet internet so internet pe aap कैसे एथिकली मूव करोगे हाई चांसेस आपके हैक होने के तब भी होते हैं जब आप लेजी हो जाते हो बहुत सारे टाइम पे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को क्रैक्स ढूंढने हैं आप लोगों को बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज़ें ढूंढनी है इंटरनेट पे, बिकॉज इंटरनेट की भी कुछ लिमिटेशन है। एंड जब आप उन लिमिटेशन को पार करते हो और आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंस्टाग्राम का पासवर्ड हैक करने का टूल चाहिए, घर पे बैठ के किसी का इंस्टाग्राम हैक करना है या किसी का फेसबुक हैक करना है, या कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है और एक्सपायर हो गया है और वो आपको खरीदने को बोल रहा है, एंड देन यू गो ऑन इंटरनेट एंड वहाँ पे जाके आप क्रैक ढूंढते हो, उसका आप डबल क्लिक करते हो और रैनसमवेयर लेके आते हो अपने सिस्टम के अंदर। सो ऑल आई वांट टू से इज, ये सारे केसेस जब होते हैं तब हम जैसे हैकर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग लॉज अपने हाथ में नहीं ले सकते। बट इन द एंड अवेयरनेस इज द की। कोई शॉर्टकट नहीं है इंटरनेट पे, कोई इमेजिनरी चीजें आपको नहीं मिलेगी इंटरनेट पे, एंड फ्री तो कुछ नहीं मिलेगा आपको इंटरनेट पे। एवरी टाइम यू स्पेंड ऑन इंटरनेट समबडी इज मेकिंग मनी फ्रॉम यू, सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड दैट नथिंग इज फ्री ऑन इंटरनेट। And then with the subject of this video, who asked you to lock your doors, which means stranger danger is always going to be there. So आप ही को ध्यान रखना है कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो और किस पे कितना हद तक विश्वास कर रहे हो इंटरनेट पे। That is going to be your call, because internet is a very big ocean of knowledge, and you know a ship is always safe at the shore, but ship is not meant to do that. So make sure you go on internet, make sure you take a lot of knowledge on internet, make sure you do the point-to-point surfing on internet, and make it a happier and safer place. So this was a quick question from you, which I would like to get the answer in comment section. Who asked you to lock your doors? Saksham here, signing out. See you live on this Sunday on this YouTube channel to answer all of your questions. That's it for today. I'll see you again tomorrow with Morning Tech Update.